फैक्ट नंबर एक। गाइस क्या आप जानते हैं कि रेडबुल कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि हर साल करोड़ों एनर्जी ड्रिंक्स को सिर्फ बेचती है। एक्चुअली रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का सारा प्रोडक्शन एक रोच नाम की जूस कंपनी करती है, और रेडबुल की रेसिपी भी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई भी इसे बना सकता है और रेडबुल से सस्ते में बेच सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी रेडबुल इतना सक्सेसफुल है सिर्फ अपनी मार्केटिंग के दम पर। दरअसल रेडबुल अपनी कमाई का 35% अपनी मार्केटिंग में खर्च कर देता है, जो कि दूसरी कंपनियों से कई गुना ज्यादा है, और वो सिर्फ इसीलिए इतना पैसा खर्च करता है ताकि आप लोग रेडबुल के नाम पर एक ऐसी ड्रिंक खरीदते रहें जिसे वो बनाता तक नहीं है। फैक्ट नंबर दो। गाइस बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट कल्चर को खत्म करने के लिए और लोगों को सिनेमा घरों में वापस लाने के लिए MAI यानी कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा प्लान तैयार किया था। MIA पूरे इंडिया में 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने जा रहा था ताकि एक बार फिर से लोगों को सिनेमा घरों में वापस लाया जा सके, और इसीलिए MAI ने 16 सितंबर को अपने पहले नेशनल सिनेमा डे पर सारे सिनेमा घरों में सभी फिल्मों की टिकट प्राइस को मात्र 75 रुपए कर दिया था। अब जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने तुरंत ही इन टिकट्स की प्री बुकिंग शुरू कर दी और आज का इंतजार करने लगे। लेकिन इसी बीच रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र ने MAI का पूरा प्लान ही चौपट कर दिया, जिसे देखते हुए MAI को नेशनल सिनेमा डे की तारीख बदलकर 23 सितंबर करनी पड़ी ताकि ब्रह्मास्त्र को टिकट के कम प्राइस के चलते नुकसान ना हो सके।